हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ फेरेटिन सिंथेसिस। इसके पहले जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने किस तरह से आयरन हम इनटेक कर रहे हैं या बॉडी में आ रहा है और बॉडी में आने के बाद उसको कहाँ पर स्टोरेज किया जा रहा है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि फेरेटिन क्या है। तो देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पर, ये डायग्राम हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फेरेटिन है। तो फेरेटिन का काम ये था कि बॉडी में जो एक्स्ट्रा आयरन है उसको ये अपने पास स्टोर करके रखता है और जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो उसे दे देता है। समझ लो एज ए बैंक की तरह है। जब आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपने बैंक में जमा कर दिया और जब आपके पास पैसे कम हुए तो आपने बैंक से निकाल लिया। उसी तरह से जब बॉडी में आयरन ज़्यादा है तो फेरेटिन अपने पास स्टोर कर लेता है और जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो रिलीज कर देता है। इसी कंडीशन को हम बफर की तरह भी बोलते हैं। ठीक है, हम चलो शुरू करते हैं यहाँ से। फेरेटिन इज ए यूनिवर्सल इंट्रासेलुलर प्रोटीन। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर पाई जा रही है। प्रोटीन तो ये है ही, दैट स्टोर आयरन एंड रिलीज इट इन ए कंट्रोल्ड फैशन। जो क्या करता है कि आयरन को स्टोर करता है और एक कंट्रोल्ड फैशन में, यानी कि जब जरूरत है तब रिलीज करेगा और जब ज़्यादा है तो उसको अपने पास स्टोर किए रहेगा। द प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाई ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग आर्किया, बैक्टीरिया, एल्गी, हायर प्लांट एंड एनिमल्स। जो फेरेटिन प्रोटीन है वो सभी ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाया जाता है, जैसे आर्किया, बैक्टीरिया, एल्गी, हायर प्लांट एंड एनिमल्स। इट इज द प्राइमरी इंट्रासेलुलर आयरन स्टोरेज प्रोटीन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। कीप आयरन इन ए सॉल्युबल एंड नॉन टॉक्सिक फॉर्म। ये प्राइमरली इंट्रासेलुलर आयरन स्टोरेज प्रोटीन होती है जो दोनों जगह पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। और ये क्या करती है कि आयरन को सॉल्युबल फॉर्म में बनाए रखती है और ये नॉन टॉक्सिक फॉर्म में भी बनाए रखने का काम करती है आयरन, ताकि बॉडी के लिए टॉक्सिक ना हो। इन ह्यूमन इट एक्ट एज ए बफर अगेंस्ट आयरन डिफिशियंसी एंड आयरन ओवरलोड। ये ह्यूमन में एज ए बफर भी वर्क करती है, जब आयरन डिफिशियंसी होगी तो वहाँ रिलीज करेगी और जब आयरन ज़्यादा होगा तो उसको अपने पास में स्टोर कर लेगी। तो ये हमने देख लिया कि फेरेटिन का रोल क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी में या अदर ऑर्गेनिज्म में। अब हमें ये देखना है कि कब फेरेटिन प्रोटीन को हमें बनाना चाहिए और कब फेरेटिन प्रोटीन को हमें नहीं बनाना चाहिए। तो हम फेरेटिन का रेगुलेशन देखेंगे कि कब उसकी सिंथेसिस करनी है, कब हमें नहीं करनी है, यानी कि हम मेनली कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन रेगुलेशन हम देखेंगे। तो हमारे पास में दो कंडीशन है, जब बॉडी में आयरन है, आयरन की प्रेजेंस है तब क्या होगा, और जब बॉडी में आयरन जो है वो नहीं है तब क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या है। एन आयरन रेगुलेटिंग आयरन बाइंडिंग प्रोटीन कंट्रोल द ट्रांसलेशन ऑफ फेरेटिन। एक आयरन रेगुलेटिंग प्रोटीन है जो आयरन को बॉडी में रेगुलेट करने का काम करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम देते हैं IRP। आई मतलब आयरन, आर मतलब रेगुलेटिंग और पी मतलब प्रोटीन और एस मतलब बहुत सारे प्रोटीन है, आयरन रेगुलेटिंग प्रोटीन्स है। आयरन रेगुलेटिंग प्रोटीन्स आर आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। जो IRPs हैं वो आरएनए के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, ये हमारा mRNA है और इसके साथ में ये आयरन रेगुलेटिंग प्रोटीन जो है वो बाइंड है। तो IRPs आर आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक हेयर पिन स्ट्रक्चर फाउंड एट द 3' एंड ऑफ फेरेटिन इन mRNA कॉल्ड IRE। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा जैसे mRNA है, ये हमारा फेरेटिन का mRNA है। तो होता क्या है कि जो फेरेटिन का mRNA है, एक प्राइम 5' होगा और एक प्राइम जो है वो 3' होगा। तो फेरेटिन mRNA का जो 5' होता है वो एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना लेता है और जो हमारा IRP है, IRP इस हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर के साथ में जाकर के बाइंड कर जाता है। और जो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर होता है इसको हम नाम देते हैं क्या, IRE। IRE मतलब आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट, और आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ में जो प्रोटीन बाइंड कर रहा है उसे हम लोग ने नाम दिया क्या, IRP। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, पहला कि IRE क्या है। IRE मतलब mRNA का वो स्ट्रक्चर जो लूप करके हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लिया उसे हमने IRE नाम दिया। IRP क्या है, वो प्रोटीन जो IRE के साथ बाइंड कर रहा है उसे हमने नाम दे दिया क्या, IRE। और एक पॉइंट और याद रखना है कि पूछा जाए आपसे कि फेरेटिन mRNA का कौन सा प्राइम जो है वो लूप बना रहा है, तो आपको याद रखना है कि जो 5' होता है फेरेटिन mRNA का, वो आपका हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं।
तो इन आयरन डिफिशियंसी सेल, अब हमने दो कंडीशन देखा था ना, एक प्रेजेंस ऑफ आयरन और दूसरा इन एब्सेंस ऑफ आयरन। तो पहले हम एब्सेंस ऑफ आयरन को डिस्कस करते हैं। तो जब बॉडी में आयरन नहीं है, तो बताओ जब बॉडी में आयरन नहीं है तो फेरेटिन का नंबर बढ़ाना चाहिए? आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप ज्यादा बैंक की डिमांड करेंगे? नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहेंगे एक बैंक है तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो उसी तरह से जब बॉडी में आयरन नहीं है तो हमें फेरेटिन को इतना ज्यादा बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया हो। तो कैसे हम नहीं बनाएंगे वो अब हमें देखना है। तो इन आयरन डिफिशियंसी सेल द आयरन द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इज टू लो टू बाइंड आईआरपी। तो जो आयरन होता है वो इस आईआरपी के साथ में आकर के क्या करता है? बाइंड करता है। तो जब सेल में आयरन है ही नहीं तो क्या वो आईआरपी के साथ बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ बाउंड आयरन आईआरपी बाइंड टाइटली टू द आईआरई। अब देखो जब आईआरपी के साथ में जब आयरन बाइंड करता है तो आईआरपी जो है वो यहां से डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन जब बॉडी में आयरन है ही नहीं तो बताओ क्या आईआरपी आईआरई से डिसोसिएट होगा? नहीं डिसोसिएट होगा। जब आयरन नहीं है बॉडी में तो आईआरपी आईआरई के साथ में क्या कहेगा? बाइंड रहेगा, यहां से डिसोसिएट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में जब बॉडी में आयरन ज्यादा होगा तो आयरन आकर के आईआरपी से बाइंड करेगा और आईआरपी जो है वो आईआरई से डिसोसिएट हो जाएगा। तो अभी हम कंडीशन पढ़ रहे हैं कि बॉडी में आयरन नहीं है। तो जब बॉडी में आयरन नहीं है तो आईआरपी जो है वो टाइटली एसोसिएट रहेगा आईआरई के साथ में और आईआरई से आईआरपी जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखो, इन एब्सेंस ऑफ बाउंड आयरन आईआरपी बाइंड टाइटली टू द आईआरई। जब आयरन नहीं है तो आईआरपी आईआरई के साथ में टाइटली बाइंड है एंड इनहिबिट द एबिलिटी ऑफ EIF4A। अब देखो जब हम लोग मॉलिकुलर बायोलॉजी में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हम बात करेंगे। तो EIF4A का मतलब हुआ ए या बी, तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फॉर ए और बी। तो EIF4A4B यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर हैं जो क्या करते हैं कि आकर के mRNA के 5 प्राइम एंड पर बाइंड करते हैं और ट्रांसलेशन को स्टार्ट कराते हैं। तो बताओ लूप जो है वो हमारा कहाँ बन रहा है? 5 प्राइम पर, और IRE IRP के साथ में टाइटली एसोसिएट है। जब IRP जब तक बाइंड रहेगा तो वो IR जो EIF4A है इसकी एक्टिविटी को क्या की रहेगा? इनहिबिट की रहेगा। एक बार और समझो, जब IRP IRE के साथ में बाइंड है तो EIF4A की एक्टिविटी को इसने सप्रेस कर रखा है और EIF4A जो है वो हमारा ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर है जो जो ये लूप स्ट्रक्चर है इसको लीनियर करने का काम करता है। मान लो इस कंडीशन से इस कंडीशन में जाने के लिए EIF4AB की जरूरत पड़ती है। तो जब EIF4AB काम नहीं कर पाएगा तो ये लूप जो है ये डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन लीनियर वाले कभी आएगी नहीं। तो इस कंडीशन में ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। जब ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा तो हमारा प्रोटीन जो है फेरेटिन प्रोटीन जो है वो नहीं बनेगा और हमें बनाना भी नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन वैसे ही नहीं है, तो हमें ज़्यादा फेरेटिन का हम क्या करेंगे? तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई हो कि जब बॉडी में आयरन का लेवल लो रहेगा तो क्या रहेगा। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि जब बॉडी में आयरन लो है तो आईआरई हमारा आईआरपी के साथ में बाइंड है और जो इनहिबिट किए हुए EIF4A और बी को, जिसकी वजह से EIF4A और बी बाइंड नहीं कर पाएगा और जो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना हुआ है डिसॉल्व नहीं होगा और ट्रांसलेशन इनिशिएशन की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो जब ट्रांसलेशन स्टार्ट ही नहीं होगा तो ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें mRNA से प्रोटीन बनता है। जब ट्रांसलेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो हमारा जो फेरेटिन प्रोटीन है वो नहीं बनेगा। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ मूव करते हैं कि जब बॉडी में आयरन प्रेजेंस है या आयरन की प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है। तो देखिए द आईआरपी बाइंड टू आयरन, जैसे ही बॉडी में आयरन का लेवल बढ़ेगा तो ये हमारा आयरन है तो आयरन जाकर के बाइंड कर जाएगा किसके साथ? आईआरपी के साथ। जैसे ही आईआरपी बाइंड करेगा आयरन के साथ में वैसे ही आईआरई के साथ में पहले हमारा बाइंड था कौन? आईआरपी। जैसे ही यहां पर इसके साथ आयरन बाइंड किया ये यहां से डिसोसिएट हो जाएगा। ये जैसे ही डिसोसिएट हो जाएगा पहले आईआरई प्लस आईआरपी का जो कॉम्प्लेक्स था ये दोनों मिलकर के इनहिबिट किए थे EIF4A और B को। तो अब जब ये खुद इनहिबिट हो गया है तो क्या ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा? नहीं। तो इस कंडीशन में जब ये खुद ही नहीं रहा तो इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, तो ये एक्टिवेट हो गया। जैसे EIF4A एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा? जो यहाँ पर ये लूप स्ट्रक्चर था इसको डिसॉल्व कर देगा। तो ये हमारा 5 प्राइम है
और ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ये 3' होगा। यहाँ पर हमारा है फेरेटिन का ORF, यानी कि यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन है और यहाँ पर टर्मिनेशन कोडॉन है। तो राइबोसोम हमारा आएगा, वो बाइंड करेगा 5' एंड पर और ट्रांसलेशन करने लगेगा हमारा जो फेरेटिन mRNA है उसका, और इस तरह से जो हमारी फेरेटिन प्रोटीन है वो बनने लगेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बॉडी में आयरन का लेवल बढ़ा है तो इसको स्टोर करने वाला भी कोई चाहिए, तो इसको स्टोर करने का काम कौन करता है? फेरेटिन। तो जब बॉडी में आयरन ज़्यादा है तो हमें फेरेटिन का लेवल भी क्या चाहिए? हायर चाहिए। तो उस कंडीशन में ट्रांसलेशन जो है वो चलना चाहिए। तो वो कैसे हुआ एक बार फिर से समझो। जैसे ही बॉडी में आयरन का लेवल बढ़ा, आयरन एक्सेस जो था वो बाइंड किया IRP के साथ। जैसे IRP आयरन के साथ बाइंड करेगा वो डिसोसिएट हो जाएगा IRE से, और IRP और IRF का जो कॉम्प्लेक्स था वो इनहिबिट कर रहा था EIF4A को। तो EIF4A को अब कोई इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और जब ये इनहिबिट नहीं होगा तो ये लूप को डिसॉल्व कर देगा और राइबोसोम हमारा आकर के बाइंड करेगा और फेरेटिन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फेरेटिन बनने लगेगा ये क्या करेगा, जो बॉडी में एक्सेस आयरन है उसको अपने साथ में स्टोर करके रखने लगेगा और एज ए बफर की तरह वर्क करेगा। ये हमने देख लिया कि कैसे फेरेटिन का रेगुलेशन हो रहा है। अब 2022 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 5' UTR ऑफ फेरेटिन। UTR मतलब समझ लो क्या हुआ, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, RNA का वो भाग जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है लेकिन वो जरूरी है ताकि राइबोसोम आकर के धीरे बाइंड करता है। तो द 5' UTR ऑफ फेरेटिन mRNA फॉर्म ए स्टेम लूप स्ट्रक्चर कॉल्ड IRE। ये चीज़ अभी हमने देखा कि ये 5' था, इसका जो 5' UTR है वो लूप स्ट्रक्चर बना रहा था जिसे हमने नाम दिया था क्या, IRE। ये क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, ये चीज़ इन्होंने फैक्ट है वो बताया। द आयरन रेगुलेटिंग बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू IRE। एक प्रोटीन है जिसका नाम है क्या, IRBP। ये आएगा यहाँ पर क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ये बाइंड करता है, ये उन्होंने क्वेश्चन बता दिया है कि ये है कंडीशन। अब इसके रिस्पेक्ट में कुछ ऑप्शन बनाया गया, अब आपको बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन जो हैं वो आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। IRBP IRE इंटरेक्शन प्रिवेंट EIF4A फ्रॉम रिजॉल्विंग दी स्टेम लूप स्ट्रक्चर। तो हाँ, जब IRF जो है वो IRBP के साथ बाइंड है तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है ये इनहिबिट किए था किसको, EIF4A को, जिससे ये इस लूप को डिजॉल्व नहीं कर पा रहा था, यानी कि इस कंडीशन में नहीं ला पा रहा था, और ट्रांसलेशन जो है वो हमारा क्या था, इनहिबिट था, प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फेरेटिन जीन। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अब आपको देखना है ऑप्शन में कि जिस ऑप्शन में आपको ए मिल रहा है वो आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि ओनली बी, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है क्योंकि ए भी हमारा करेक्ट है। इसमें भी देखो बी एंड सी बोला गया है, ए कहीं पर भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ए एंड डी है और ए एंड सी है। 50-50 हमने कर लिया, KBC जैसे गेम होता था ना, वहाँ 50-50 होता था, तो हमने यहाँ पे 50-50 कर लिया। अब हमें दो ऑप्शन में से एक सेलेक्ट ऑप्शन को पता करना है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, IRBP IRE इंटरेक्शन रिक्रूट EIF4A टू द 5' UTR दस प्रमोट ट्रांसलेशन इनिशिएशन। कह रहा है कि जो IRBP और IRE इंटरेक्शन जो हुआ है वो EIF4A को बुला रहा है। जो यहाँ पे समझो, IRE और IRBP कह रहा है कि ये बुला रहा है किसको, EIF4A को। तो भैया ये बुला नहीं रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि आप मत आओ, ट्रांसलेशन शुरू मत करो। तो ये स्टेटमेंट देखो इतना तो क्या हो गया, गलत हो गया। दस प्रमोट ट्रांसलेशन इनिशिएशन, वो कह रहा है कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन को प्रमोट कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखो, इन प्रेजेंस ऑफ फेरस आयन IRBP इज अनेबल टू बाइंड टू IRE। फेरस आयन मतलब आयरन की बात हो रही है। तो देखो पीछे हमने क्या देखा कि जब आयरन आता है तो वो IRBP के साथ बाइंड करता था और IRBP IRE से डिसोसिएट हो जा रहा था। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही आयरन आया, आयरन आने के बाद में वो IRP के साथ बाइंड किया और IRP IRE से डिसोसिएट हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ए और सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब आप ऑप्शन में मैच कराइए, ए और सी जो है वो थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या है, सही है। अब एक फोर्थ पॉइंट बचा हुआ, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो EIF4A बाइंड डायरेक्टली एट द 5' UTR, तो ये ऑप्शन थोड़ा ठीक नहीं है। जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि और भी कई सारे इनिशिएशन फैक्टर हैं जो आते हैं और ट्रांसलेशन को शुरू कराते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर जो है वो हमारा जाएगा कौन सा,
थर्ड ए एंड सी। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में देखा कि किस तरह से ट्रांसलेशन फेरेटिन का रेगुलेट किया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बन रहे हैं सीएसआईआर में, हो सकता है आपको अगले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फिर से कुछ फ्रेमिंग चेंज करके देखने को मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन है उसका रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है। इस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।